नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 8:36 तक रहेगी। आज दोपहर 2:28 तक सुकर्मा योग रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जय योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 26 फरवरी की रात 11:17 से अगली सुबह 6:27 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग देर रात 1:24 से कल सुबह 6:28 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 फरवरी की सुबह 6:50 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:51 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:47 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 फरवरी की सुबह 7:20 से दोपहर 1:09 तक और एक बार फिर दोपहर बाद 3:23 से रात 10:17 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। इमरजेंसी हो तो हरि का नाम लेकर कभी भी करिए, वरना अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक और एक बार फिर सुबह 8:56 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 9:24 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा 4:51 से 6:17 तक। मुंबई 5:14 से 6:42 तक।
चंडीगढ़ शाम 4:51 से शाम 6:16 तक, लखनऊ शाम 4:37 से शाम 6:03 तक, भोपाल शाम 4:53 से शाम 6:20 तक, कोलकाता शाम 4:10 से शाम 5:37 तक, अहमदाबाद शाम 5:12 से शाम 6:39 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:48 से शाम 6:17 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आप माता पिता के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। आज आपके व्यवहार से कुछ लोग काफी प्रभावित हो सकते हैं। किसी शुभ काम में नए लोगों से मदद मिलने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में आपसी विश्वास के सहारे रिश्ते में मजबूती आएगी। आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने की उम्मीद है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। ऑफिस में अधिकारियों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। संतान संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम आज संपन्न हो सकता है। लवमेट आज कहीं घूमने जाएंगे, साथ ही डिनर का भी प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। किसी काम को पूरा करने के लिए आज आपको कोई नया आइडिया मिलेगा। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के लिए अनुकूल है। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आपको पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। शाम को पार्टी करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। इस राशि के कपड़ा व्यापारियों को विशेष रूप से सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आप कुछ लोगों के साथ मिलकर किसी सामाजिक कार्य की रूपरेखा बना सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा बेहतर होगा। आपको माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। कई दिनों से ऑफिस का पेंडिंग काम आज पूरा हो जाएगा। बॉस आपका प्रोत्साहन करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आज अपने अनुभवों को किसी के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन उत्तम रहेगा। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आप किसी काम के लिए नई योजना पर विचार कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यर्थ के झगड़े में पड़ने से आपको बचना चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वालों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। उचित दिशा में मेहनत करने से आप उसे समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। छात्र अपने दोस्तों के साथ किसी सब्जेक्ट को लेकर चर्चा कर सकते हैं। अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको गलतफहमी लाने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज आपका मन धार्मिक कार्यों की तरफ लगा रहेगा। लोगों के बीच आपके काम की तारीफ होगी। आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। माता पिता अपने बच्चों को मनोरंजन के लिए शाम को बाहर घुमाने ले जा सकते हैं। महिलाएं अपने किसी काम की प्लानिंग कर सकती हैं। किसी मामले पर बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम बरतना चाहिए। लवमेट अपने रिश्ते के बारे में पेरेंट्स को बताएंगे। नव विवाहित दंपति आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। किसी काम के लिए की गई आपकी मेहनत रंग लाएगी। करियर के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा।
किसी काम के पूरा होने पर आपको प्रसन्नता होगी, हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपको काम में सीनियर्स का पूरा पूरा योगदान मिलेगा, आज आपको व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर मिलेगा। सेहत के मामले में आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे, आपको कई तरह के नए और अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज किसी घर के काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। कोई सहपाठी अपने कुछ पर्सनल बातें आपसे शेयर कर सकता है। आप दोस्त की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आप किसी विषय पर शिक्षकों से चर्चा करेंगे। सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए, किसी से बहस करने से बचना चाहिए। बच्चों का मन आज खेलकूद में ज़्यादा लगेगा, परिवार वालों के साथ अलग अलग पकवानों का आनंद उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको कुछ जरूरी कामों में दोस्तों की मदद मिलेगी। कई दिनों से रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन उत्तम है। पहले दी गई किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। दांपत्य रिश्ते में भी मधुरता बनी रहेगी। आज बेवजह की उलझने जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कहीं परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में सबके साथ बेहतर रिश्ते स्थापित होंगे, साथ ही घरेलू कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आज जिन विद्यार्थियों का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, उनकी सफलता सुनिश्चित होगी। किसी नए प्रोजेक्ट में मित्रों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की प्लानिंग बनाएंगे। पैसों के मामले में कुछ लोग बेहद मददगार साबित होंगे। आज आपके पर्सनैलिटी की तारीफ होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन खास पल लेकर आया है। आज बिजनेस में आपको फायदा होगा। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए किसी सहकर्मी की मदद मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आज आप शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है। जीवन साथी से आज उपहार मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। रिश्ते में और मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन ताजगी से भरा रहेगा। आज कोई अधूरा काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी। शाम तक आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे। लवमेट के साथ आपका दिन बेहतर गुजरेगा। आपकी बातों से कुछ लोग प्रभावित होंगे। सोचे हुए कार्यों की गति मजबूत होगी। आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। बिजनेस में कुछ बदलाव होने के योग बन रहे हैं। ये बदलाव आपके फेवर में रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप जिस किसी भी काम को पूरा करना चाहेंगे, वो काम पूरा हो जाएगा। किसी दोस्त से मिलने आप उसके घर जा सकते हैं। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। आप किसी सोच विचार में डूबे रह सकते हैं। आप नए लोगों के संपर्क में आने की कोशिश करेंगे, इससे आपको फायदा होगा। घर पर बच्चों के लिए पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। इस राशि के छात्रों को शिक्षक से मार्गदर्शन मिलेगा। किसी कार्य को पूरा करने में दोस्त की सलाह काम आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी के पत्तों का सेवन करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज 10 बच्चों को बिस्किट बांटें।
तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक एक वालों, आज आपकी संतान की तरफ से चिंता कम होगी। अच्छी जॉब लगने से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। मूलांक दो, आज मित्रों के सहयोग से काफी दिनों से रुका हुआ प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, दोस्ती और मजबूत होगी। मूलांक तीन, आज जीवन साथी की बेहतर सलाह से आपको पैसे कमाने का नया जरिया मिलेगा। मूलांक चार, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो आज उसमें आपको जीत हासिल हो सकती है। मूलांक पांच, आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा, आपका रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। मूलांक छः, आज किसी सामाजिक समारोह में जा सकते हैं जहां आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। मूलांक सात, आज किसी बड़े की मदद से आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा, उनके साथ लंच करेंगे। मूलांक आठ, ऑफिस में आज वर्कलोड बढ़ सकता है लेकिन अगर आप हड़बड़ी नहीं करेंगे तो आसानी से पूरा हो जाएगा। मूलांक नौ, आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी दोस्त से मिलने का प्लान बना सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे टीवी के एंटीने की दिशा के बारे में। पहले तो घर में टीवी के सिग्नल के लिए पतले डंडे, लंबे एंटीने लगाए जाते थे, लेकिन जब से डिश और सेट टॉप बॉक्स आए हैं तब से एंटीनों का चलन तो खत्म ही हो गया है। आज का सेट टॉप बॉक्स लगाए जाते हैं, सिग्नल के लिए उसकी छतरी ऊपर छत पर लगाई जाती है। वास्तुशास्त्र में हर चीज की तरह सेट टॉप बॉक्स की छतरी लगवाने के लिए भी दिशा को निर्धारित किया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम दिशा का हिस्सा हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, इसलिए घर में छतरी लगवाने के लिए भी दक्षिण पश्चिम का चुनाव करना चाहिए। दक्षिण पश्चिम का संबंध साउथ वेस्ट का संबंध राहु से माना गया है, राहु का लेना देना कम्युनिकेशन से है। वही अगर आपके घर का केवल दक्षिण हिस्सा नीचा है और पश्चिमी भाग ठीक है यानी ऊंचा है, तो आप दक्षिणी हिस्से को ऊंचा करने के लिए इस दिशा में छतरी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल द्वयम ये सेकेंडरी ऑप्शन है। ऐसा करने से घर की वास्तु संबंधी समस्या दूर होगी और आपका भी काम ठीक रहेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ में ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा साउथ की तरफ खिसका के लगाइए उसे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 8:36 तक रहेगी। आज दोपहर 2:28 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने बिजनेस की गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए और उस पर काजल का टीका लगाइए। अब उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति आगे बढ़ेगी और दूसरों के मुकाबले आपके बिजनेस की नींव अधिक मजबूत होगी। अगर कुछ दिनों से पिता के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 51 जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके रिश्ते ठीक होंगे और धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बनने लगेगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहते हैं, यानी उन्हें बिना किसी परेशानी के अच्छी तरह निभाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 108 जप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन कर पाएंगे। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही लंबी आयु भी पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 जप करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणेह सूर्याय नमः, ओम घृणेह सूर्याय नमः। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपको बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही
लंबी आयु भी प्राप्त होगी। अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, तो उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आज के दिन आप पंसारी की दुकान से एक नागकेसर का फूल लेकर आएं और आज के दिन उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। अब उसकी विधि पूर्वक रोली चावल आदि से पूजा करें। पूजा के बाद आज पूरा दिन उस फूल को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर उस फूल को वहां से उठा लें और अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके ऑफिस में पैसों को लेकर चल रही खराब परिस्थितियां जल्द ही ठीक होंगी। अगर आप अपना ट्रांसफर अपनी मनपसंद जगह पर करवाना चाहते हैं, तो आज के दिन सूर्यदेव को बाजरे के दाने में मिला हुआ जल अर्पित करने के साथ ही उनके इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका ट्रांसफर आपकी मनपसंद जगह पर होगा। अगर आप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको आम के पेड़ को प्रणाम करना और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपको आम का पेड़ न मिल पाए, तो आम के फल को प्रणाम कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख लें और जब कभी आप किसी व्यावसायिक यात्रा से बाहर जाएं, तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगाकर जाएं। लेकिन अगर आप केसर न ले सकें, तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यावसायिक यात्राओं से अर्थ लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियाँ कहीं गुम हो गई हैं, तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए आज के दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकियां और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख लें। अगले दिन कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रोली को एक पानी भरे गिलास या लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनेस खुलवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बिजनेस की इतनी समझ नहीं है, तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। अब उस मिट्टी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उससे 27 छोटी छोटी गोलियां बनाइए और उन्हें अच्छे से सुखा लें। अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से घर के मंदिर में ही रखवाएं और बाद में जब मौका मिले उन गोलियों को किसी मंदिर या पेड़ के पास रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान का बौद्धिक विकास होगा, साथ ही वे अपना व्यवसाय करने में सफल होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का की आँखों की समस्या है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें कुछ दाने चावल भी मिलाएं और मन ही मन सूर्यदेव की आराधना कर जल को अर्पित कर दें। अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम ह्रीं घणे सूर्य आदित्याय श्रीं। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग और रविवार के दिन किए जाने वाले उपायों की चर्चा। उम्मीद है आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज आपके काम में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे वो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। बी, जो छात्र कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आज के दिन कर सकते हैं। सी, आपको धन कमाने के नए मौके नजर आएंगे, ये मौके आपके लिए फायदेमंद होंगे।
डी, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। ई, काफ़ी दिनों से फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, साथ ही आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। एफ, बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए आज आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ सकता है। जी, आप आर्ट की फील्ड में रुचि रखते हैं तो आज आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। एच, प्रॉपर्टी डीलर्स अपने कारोबार को और बढ़ाने का विचार करेंगे जिससे अच्छा धन लाभ हो सके। आई, आपके लिए आज का दिन थोड़ा अनुकूल रहेगा, मानसिक रूप से आपको राहत मिलेगी। जे, जो लोग मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा, अच्छा क्लाइंट मिलेगा। के, घर पर धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। एल, विवाहितों के लिए आज का दिन बेहतर है, जीवन साथी के साथ घर पर ही कोई मूवी देखेंगे। एम, ऑफिस में पिछले कई दिनों से रुका हुआ काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा। एन, आपके आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा जिससे आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बनेगा। ओ, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। पी, पारिवारिक जीवन में सभी लोग एक दूसरे से मीठी भाषा का प्रयोग करेंगे, खुशी बनी रहेगी। क्यू, बच्चों के लिए आज का दिन बेहतर होगा, माता पिता के साथ पार्क में घूमने जा सकते हैं। आर, इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आपका कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट पूरा होगा। एस, आपके किसी काम में आई परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपकी टेंशन दूर होगी। टी, घर के डेकोरेशन संबंधी सामान खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। यू, कला जगत से जुड़े लोगों को उनके बेहतर कार्यों की वजह से सम्मानित किया जाएगा। वी, जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें आज जॉब पाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। डब्ल्यू, आज सकारात्मक सोच के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। एक्स, व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा, आपको बड़ा फायदा हो सकता है। वाई, अगर आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। जेड, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके व्यापार से अचानक धन लाभ होगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं अयोध्या के कनक भवन मंदिर के दर्शन। ये मंदिर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में स्थित है। कहा जाता है कि माता कैकेयी ने राम जी के विवाह के बाद माता सीता को मुंह दिखाई में ये कनक भवन भेंट दिया था। ये सिया राम जी का निजी भवन कहलाता है, यहाँ भगवान राम और माता सीता के अलावा किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। काफ़ी विनती करने के बाद राम जी के परम भक्त बजरंगबली को आंगन में स्थान मिला था। दूर दूर से भक्त यहाँ सिया राम जी के दर्शन करने आते हैं और श्री राम कृपा का प्रसाद पाकर खुद को धन्य समझते हैं। तो आप भी कीजिए घर बैठे कनक भवन के पवित्र दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी बाहर की तरफ निकले हुए दांतों के बारे में, और आज हम बात करेंगे सामान्य से थोड़े बड़े या चौड़े दांत वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। जिन लोगों के दांत आकृति में थोड़े बड़े और चौड़े होते हैं वे अपनी बात को पुरजोर तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं। ये किसी भी बात को कहने से नहीं हिचकते, ये लोग स्वाभिमानी होते हैं, इसलिए दूसरों से जल्दी से कोई चीज़ नहीं लेते, और अगर लेते भी हैं तो उसकी पूरी कीमत चुकाते हैं। इनकी मान प्रतिष्ठा भी दूसरों के बीच बनी रहती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज रात 8:36 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:16 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन या कटहरी का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी का दिल न दुखाएं और न ही झूठ बोलें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in
और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।